मेरे प्यारे मित्रों, होली का जो त्यौहार आता है ये परिवर्तन का समय होता है। इसके अंदर जो हमारा ऋतु होता है, ऋतु के अंदर परिवर्तन होता है। वसंत का पर्व शुरू हो जाता है और इसके अंदर उल्लास पूरे प्रकृति में छाता है। और इसी को मार्क करने के लिए, इसी को व्यक्त करने के लिए होली मनाई जाती है। जो हमारे इस यहाँ पे ठंड की वजह से जो कीटाणु बन जाते हैं, इनको नाश करने के लिए होली जलाई जाती है जगह जगह पर। लेकिन होली जो है ये एक पर्व है। इस पर्व के अंदर हमको ये देखना है कि अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं, जो बुरी वृत्तियाँ हैं, जैसे बाहर रोगों के कीटाणुओं को कम करने के लिए होली जलाई जाती है गाँव के अंदर। हम लोग होली को इस तरह से देखें कि हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो हमारे गलत चीज़ें हैं, उसको हम किस तरह से नष्ट कर सकेंगे। होली एक ऐसा शुभ अवसर है कि हम कोई अगर प्रयास करते हैं और उस हिसाब से संकल्प अगर करेंगे, आपके अंदर निश्चित बहुत अच्छा परिवर्तन हो सकता है। आपको तय करना है। दूसरा आदमी जब आपकी गलती बताता है ना, तो गुस्सा आता है और कहते हैं हमें तो ये गलती है नहीं। आप यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन सेल्फ। हम अपने खुद के स्वयं बहुत बड़े निर्णायक अपना मत रखते हैं। आपको पता है क्या कमी है, आपको पता है कहाँ गलती है हमारी, आपको पता है कि कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग ज़्यादती करते हैं, मेरी कमियाँ क्या है, मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। तो ये कमी हर व्यक्ति जानता है, हर मेरा मित्र, बालक मित्र जानता है कि क्या कमी है। उस कमी को जला देना है और उसकी जगह जो खाली हो जाएगी उसके अंदर कुछ नई चीज ले जानी है। मित्रों, ये परिवर्तन का बहुत अच्छा विलक्षण क्षण आपको मिल सकता है अगर होली को आप उस दृष्टि से देखें। होली एक त्यौहार है, उत्साह से मनाई जाती है, रंग खेले जाते हैं। इसी हिसाब से कि जो बुराइयाँ जल चुकी और जो हमारे पास में है अब वो रंगीन है, हमारे पास में उल्लास है और हमारे पास सब अच्छी चीज़ें हैं। ये परिवर्तन अगर आपको सध गया मित्रों, तो आप देखिए कि आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कि हमको अपना निरीक्षण करना है, अपनी समीक्षा करनी है कि मैं कैसा हूँ, मुझमें कौन से सुधार करने की संभावना है, मुझे क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पे पता है, आप सोचेंगे आपको पता चलेगा, आप अपनी स्व समीक्षा करेंगे, आप ही तय करेंगे कि आपको सुधार कहाँ कहाँ पर करना है। आपको प्रयास करना है, वो सुधार आपको करने हैं और फिर आपको अंदर उसके अंदर धारण करना है। समीक्षा, निर्माण, सुधार और विकास, ये चार स्टेप्स होती है, आप जानते हैं इसको, आपको बताया भी गया होगा लाइफ मैनेजमेंट में। इसको अगर आप प्रयास करेंगे मित्रों, तो होली का बहुत अच्छा क्षण है। होली है ही इसके लिए कि हम अपने अंदर परिवर्तन करें, अपने परिवार के अंदर परिवर्तन करें, अपने मित्रों के टोली के अंदर परिवर्तन करें, अपने समाज में परिवर्तन करें और देखें कि हम अपने आप में कितना विकसित हुए हैं। दूसरा कोई आपको बदल नहीं सकता, आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप सोच के तय करिए कि आपको कहाँ पे कैसे बदल करने हैं और उस हिसाब से लग जाए। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बहुत अच्छा उत्साह का पर्व है, कोरोना निकल चुका है, सीज़न बहुत अच्छा हो रहा है और एक अच्छा अच्छा माहौल है। आप सब लोग कैंपस में आ गए हो, बहुत उल्लास का वातावरण है। तो ऐसे स्थिति में आपको निर्णय करना है और आपके अंदर परिवर्तन की क्षण को साबित करना है कि आप उसका उपयोग करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप प्रयास करेंगे तो आप निश्चित इसके अंदर सफल होंगे। मैं ईश्वरीय तत्व से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी प्रयास करेंगे उसके अंदर सफल होंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा था कि इस होली के पर्व की मैं आपको सभी को बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। आपके अंदर जो मैं अपेक्षा रखता हूँ, उस अपेक्षा का परिवर्तन करेंगे। इस शुभेच्छा के साथ में अपने वाणी को विराम, ओम शांति। हमारे ऋषियों ने साल में एक पर्व ऐसा बनाया जिससे कि आदमी अपने अंदर के मेल को पूरी तरह से निकाल दे। जो विषमता है समाज में वो हम लोगों ने पैदा की है, चाहे जातिगत हो, चाहे वो वंशगत हो, चाहे वो हमारे इसके कारण हो, पैसे के कारण, अर्थ के कारण हो, चाहे लिंग भेद हो, ये सब हमारे पैदा किए हुए हैं। हम सब यदि मिलजुल करके सब रहें एक साथ, सारे भारतवासी, तो वास्तव में सारे राष्ट्र स्तर पे जब होली मने एक बार, तो ऐसा लगे कि सारा राष्ट्र एक है और हम सब एक हैं। तो उसका एक छोटा सा मिनी मॉडल है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, यहाँ हम लोग उस मॉडल को बना रहे हैं और विकसित कर रहे हैं। रंगों का, खुशियों का, सौहार्द का पर्व, अहंकार पर विजय का उस प्रहलाद का पर्व, यह पर्व है मिलन का जिसमें खूब हंसी ठिठोली है, द्वेष भाव को दूर मिटाए यह खुशियों की होली है, उड़ते बादल में ना जाने कितने रंगों का मेला है, प्रेम पवित्रता सद्भाव के बिना यह पर्व बिल्कुल अकेला है, ये ब्रह्म की है आस्था और नरसिंह की बोली है, द्वेष भाव को दूर मिटाए यह खुशियों की होली है। आप सभी को होली की हाँ।